हाय फ्रेंड्स, आपके पास भी एक्सिस बैंक का किसी भी तरह का एटीएम कार्ड है और उस एटीएम कार्ड चोरी हो गया, गुम हो गया या डैमेज हो गया, तो उस कार्ड को आप घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से रिप्लेस करके नया कार्ड मंगवा सकते हैं। तो कैसे करना है, कौन सा स्टेप को फॉलो करना है, हर एक डिटेल्स इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और आप एक्सिस बैंक का एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से, तो एक्सिस बैंक का जो ऑफिशियल लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कैसे ओपन करना है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी कारण अपना एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट करने के लिए एक्सिस मोबाइल ऐप्स के अंदर लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वाला वीडियो इस वीडियो का आई बटन या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ऐप्स में लॉगिन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड एंड फॉरेक्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ जो डेबिट कार्ड्स उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट के अंदर फिजिकल डेबिट कार्ड है और ई डेबिट कार्ड है, दोनों डेबिट कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन आपका जो डेबिट कार्ड है चोरी हो गया है या गुम हो चुका है, उसके लिए सबसे पहले नीचे की तरफ जो मैनेज यूज वाले ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ई डेबिट कार्ड शो हो रहा है, तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ एरो का आइकन है उसमें क्लिक करके जो फिजिकल डेबिट कार्ड है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस अकाउंट के अंदर जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो चोरी हो गया है, इसलिए हमने ऑलरेडी इसका जो ट्रांजेक्शन लिमिट है हम यहाँ पे ऑफ करके रखे हैं। उसके बाद इस कार्ड को हम रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, ब्लॉक एंड रिप्लेसमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आप अपना जो डेबिट कार्ड है इजीली यहाँ पे ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपना जो डेबिट कार्ड है वो परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे ई डेबिट कार्ड अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉक वाले ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आपका केस में अलग ऑप्शन मिल सकता है। तो हम यहाँ पे ब्लॉक नहीं करना चाहते, कार्ड को यहाँ पे रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थ्री डेबिट कार्ड शो किया जा रहा है अपने अकाउंट के अंदर, इसमें से जो यहाँ पे फ्री चार्जेस बताया जा रहा है उसका हम यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से अपना जो डिटेल्स है यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कार्ड फी वाले ऑप्शन पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो चार्जेस बताया जा रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ एड्रेस बताया गया है, उसके बाद टर्म्स कंडीशन को एग्री करके यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपना जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद एक्सिस बैंक की तरफ से आपको यहाँ पे SMS सेंड किया जाएगा। उसके बाद अपना जो डेबिट कार्ड है अगले 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो यहाँ पे एड्रेस बताया जा रहा है इसमें डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो रिक्वेस्ट किए हैं वो ट्रैक करना चाहते हैं तो ट्रैक रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से पेज देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ ट्रैक डिलीवरी स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगले 4 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो कार्ड है यहाँ पे डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से अपना जो डेबिट कार्ड है गुम हो गया है, चोरी हो गया है, उस डेबिट कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट किए हैं कार्ड रिसीव होने के बाद उस कार्ड को कैसे एक्टिव किया जाता है और अपना डेबिट कार्ड को कैसे सेटअप किया जाता है, सारे डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। Thanks for watching my video.